नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y21e versus Moto E32s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y21e में 6.46 इंच जबकि E32s में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Y21e में 2.99 इंच जबकि E32s में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Y21e से कम है। बात करें थिकनेस की तो Y21e में 0.31 इंच जबकि E32s में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Y21e से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y21e में 182 ग्राम्स जबकि E32s में 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y21e में 6.51 इंचेस जबकि E32s में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y21e में 81.99% जबकि E32s में 83.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y21e में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और E32s की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y21e में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और E32s की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y21e में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और E32s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y21e में Adreno 610 जबकि E32s में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y21e में Qualcomm Snapdragon 680 और E32s में MediaTek Helio G37 मिलता है। बात करें RAM की तो Y21e में 3GB जबकि E32s में 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y21e में Android V11 जबकि E32s में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y21e 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹12,969 में मिल जाता है। और बात करें E32s की तो वो 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹9,999 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y21e में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto E32s की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में E32S आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Y21 ही आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Xiaomi Poco X3 है, तीसरा Xiaomi Poco X3 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।